A very good afternoon to all my dear 8th and 2nd year students. I hope all of you are doing well. Once again, after the holidays of 15 August and Sunday, today is Monday, so let us start with our class. So, मैंने अपने उस दिन के वीडियो में आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस. ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस. सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस. ओके, एंड द चैप्टर नेम इज रिलीजियन. ठीक है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को रिलीजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूं. द वर्ड रिलीजन इज एन इंग्लिश वर्ड. ओके, द वर्ड रिलीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेलिगो. रेलिगो मीन्स गुड फेथ. और इट मे ऑल्सो बी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेलिगारे. रेलिगारे मीन्स टाई अ फास्ट और बॉन्डिंग और बॉन्ड. ठीक है. नाउ दिस रिलीजन हैज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मीनिंग. एक्सटर्नली रिलीजन का मतलब है द एक्टिविटीज वी परफॉर्म टू डिवोट टूवर्ड्स गॉड. ठीक है. हम लोग जो पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, ये सब एक्सटर्नल एस्पेक्ट है रिलीजन का. ओके, जिसके थ्रू हम लोग गॉड को पाना चाहते हैं, या फिर खुश करना चाहते हैं, या फिर हम लोग खुद सेटिस्फाई होते हैं उससे. दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एस्पेक्ट. इंटरनल एस्पेक्ट वो है जो हमारे अंदर से आता है, हमारा फीलिंग्स, हमारा इमोशन टूवर्ड्स गॉड. दैट इज इंटरनल एस्पेक्ट. नाउ ये जो रिलीजन है, इसका और एक एस्पेक्ट है, दैट इज इंडिविजुअल एंड सोशल. जो सोशल एस्पेक्ट है, इट इज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी विच वी हैव टू फॉलो दोज हु आर फॉलोइंग अ रिलीजन. जो कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहा है, उनके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोगों को फॉलो करना है टू बी इन द सोसाइटी. दैट इज द सोशल एस्पेक्ट. और इंडिविजुअल एस्पेक्ट हमारा पर्सनल इंटेलेक्चुअल इमोशन टूवर्ड्स गॉड है. हम लोग पर्सनली गॉड के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर हम लोग पर्सनली गॉड को पाने के लिए, या फिर खुद सेटिस्फाई होने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एस्पेक्ट. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन. रिलीजन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वेल, देयर आर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, Religion is an effort to rise the finite to infinite and view life from the eternal point of view. ठीक है, this is the first characteristics. देखो, religion का मतलब God center है. God is the center of the religion. अगर God नहीं होते तो फिर religion भी नहीं होता. ठीक है. सो गॉड इज द सेंटर ऑफ रिलीजन. और रिलीजन का मतलब है गॉड को पाना, गॉड को खुश करना, गॉड के प्रति हमारे डिवोशन, गॉड के प्रति हमारे फीलिंग्स, उसका मतलब है रिलीजन. ठीक है. नाउ सबसे पहला नेचर जो है रिलीजन का, वो है टू रीच द इनफाइनाइट. Who is the infinite? Infinite is the God. Infinite का मतलब है जिसका कोई लिमिट नहीं होता, limitless. God is limitless. But we human being, we are finite.
ठीक है, वी आर फाइनाइट, वी आर नॉट लिमिटलेस, हमारा एक लिमिट है, वी हैव टू डाई, द बॉडी हैव टू डाई वन डे. सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन इज दैट हम लोग जो फाइनाइट बीइंग है, हम लोग जो लिमिटेड बीइंग है, हम लोग गॉड को पाने की कोशिश करते हैं, टू रीच, वी वॉन्ट टू रीच टू इनफाइनाइट, दैट इज गॉड. ठीक है, पाने की कोशिश करते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ओके, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, गॉड के ऊपर बिलीव होना, गॉड के ऊपर फेथ होना, गॉड तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन. एंड वी ट्राई टू व्यू आवर लाइफ फ्रॉम इटर्नल एस्पेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस इटर्नल? इटर्नल का मतलब है एंडलेस, इटर्नल का मतलब है विच एग्जिस्ट फॉर एवर. तो क्या हमारा बॉडी एग्जिस्ट करेगा फॉर एवर? नो, बट हमारा जो सोल है इट विल एग्जिस्ट फॉर एवर. ठीक है, सो मैंने एथिक्स में भी आप लोगों को समझाया था, द सोल इज प्राइमरी एंड द बॉडी इज सेकेंडरी. सो हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में ना सोच के अपने सोल के बारे में सोचना चाहिए, अपने सोल को प्योर करना चाहिए. ठीक है, और ये जब रियलाइजेशन हम लोगों को हो जाएगा तो हम अपना लाइफ को इटर्नली व्यू करेंगे, एंडलेसली व्यू करेंगे, क्योंकि आवर सोल इज एंडलेस एंड वी कैन कनेक्ट आवर सोल टू गॉड. हम लोग अपने सोल को, अपने बॉडी को नहीं, अपने सोल को कनेक्ट करेंगे टू गॉड. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन? The first characteristics of religion is that we, the finite beings, try to reach the infinite who is God and want to view our life eternally, endlessly. Okay, and what is endless? The life of the body is not endless, but the life of the soul is endless. And we try to connect our soul with the God. Okay? हम अपना जो soul है, soul को connect करना चाहते हैं, devote करना चाहते हैं to the infinite. And who is the infinite? God is the infinite. Okay, clear? So let us go to the second characteristics. It is a natural feeling towards God. It is a natural feeling towards God. Okay, what is religion? Religion is a natural feeling towards God. Now, हम लोगों में से जो भी religious है, ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग religious है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो does not believe in God. They religious नहीं होते हैं. But हम लोगों में से जो भी religious है, क्या हम लोगों को force किया गया है to be religious? क्या हम लोगों को फोर्स किया गया है ताकि हम लोग गॉड पर बिलीव करें? आर वी बीन फोर्स्ड? नो, वी आर नॉट फोर्स्ड. अगर फोर्स्ड होता, फोर्सफुली रिलीजन लेते हम लोग, तो फिर हम लोग गॉड पर बिलीव ही नहीं करते. हम लोग सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए बोलते कि वी आर रिलीजियस. ओके, बट जो ट्रूली रिलीजन में बिलीव करते हैं, it is in their feelings, it is in their emotion. And what religion is in their feelings, God is in their emotions. Okay, हम emotionally connect होते हैं God से. For example, अगर हमें कभी बहुत दुख हुआ, कोई भी चीज को लेके बहुत दुख हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? We talk to God, right? We share our sorrow, we share our feelings to God. क्या किसी ने force किया है God को बोलो अपना दुख? No, किसी ने force नहीं किया है. It comes automatically. Automatically it comes from within. अंदर से automatic आता है कि हम अपना सारा दुख, अपना सारा तकलीफ हम लोग किसको सुनाते हैं?
गॉड को सुनाते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग दिल से गॉड को बिलीव करते हैं, क्योंकि इट इज एन इमोशनल फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड गॉड. ओके, इट इज नॉट फोर्सफुल बट इट कम्स फ्रॉम विद इन. सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियन. सो वॉट वॉज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वॉज टू the finite tries to reach the infinite. Finite human beings होते हैं और infinite God. So the finite tries to reach the infinite and view their life eternally. Eternally मतलब endless, forever. और second characteristic क्या है? Second characteristic ये है that religion is not forced to anyone, but it is an emotional feeling towards God, जो अपने आप ही हमारे अंदर आता है. ठीक है, it is not forceful. So these are the first two characteristics of religion, जो आप लोग अच्छे से समझना. कोई भी difficulty हो तो you can contact me, you can ask me. In my next video, I will explain you the other characteristics of religion. Okay, have a nice day.